नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक नई वीडियो में। दोस्तों, मेरी कार के साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है, और वो जो प्रॉब्लम है वो ये हमारी कार की विंडशील्ड पर। एक्चुअली जब मेरी गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का वर्क हुआ था 2 महीने पहले, आपको पता होगा मेरी गाड़ी पर एक बोर्ड आके गिर गया था आंधी में, जिस वजह से मेरी गाड़ी का बोनट रूफ थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो मैंने इंश्योरेंस में इसको कवर कराया था, यानी रिपेयर कराया था क्लेम लेके। तो जब मैं गाड़ी को वर्कशॉप से लेके आ रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, एक हाईवे पड़ता है, लिंक रोड है, तो वहाँ पर जो एक ट्रक निकला, ट्रक से एक गिट्टी उछट कर विंडशील्ड पे पड़ी। देखिए यहाँ आप देख रहे हो, ये क्रैक दिख रहा होगा, मैं फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर जो है स्पॉट बन गया है, एक्चुअली लंबा क्रैक नहीं है ये, तो ये जो स्पॉट है उस टाइम बन गया था। तो मैंने अभी तक इसको कुछ कराया नहीं है, मैंने सोचा अगर ये क्रैक बढ़ेगा फिर मैं कराऊंगा, और ये इतना ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये पैसेंजर साइड है और वो भी ऊपर की तरफ है, तो ये जो है विजिबिलिटी में कोई इशू भी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और मैंने सोचा था अगर ये बढ़ता है तो फिर विंडशील्ड को रिप्लेस कराऊँगा। फ़िलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कि ये बढ़ेगा, क्योंकि बीच में स्पॉट है और मैं इसको उंगली से भी टच कर रहा हूँ तो भी जो है मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा, छोटा सा एक डॉट फील हो रहा है बस, हल्का सा बिल्कुल। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, इसको हमें रिप्लेस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपकी कार के साथ तो वो भी मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए, क्योंकि ये जो इशू है मुझे प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा है, बट क्या ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको क्या लगता है ये भी बताइएगा। बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा कि ये जो क्रैक है बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा होता तो पहले ही बढ़ जाता, अभी हाल फिलहाल तो जो है उसी जगह पर है। कुछ स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि स्पॉट जो है वो बढ़ जाता है, क्रैक जो है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे फिर प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल मेरी गाड़ी के साथ तो ऐसा इशू नहीं है, और आप देख ही रहे होंगे कि ये जो स्पॉट है वो ऊपर की तरफ है, तो विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर साइड जो भी बंदा बैठता है तो उसको भी ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, और अगर ये ड्राइवर साइड होता या सेंटर में होता कहीं पर भी, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो मैंने सोचा आपको भी ये चीज़ बताई जाए, क्योंकि इस चीज़ को 2 महीने हो गए थे, मैं काफ़ी दिन से इसको देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ही बताया जाए इस बारे में, क्योंकि गाड़ी के बारे में, अपनी ऑल्टो KTM के बारे में मैं आपके साथ हर चीज़ साझा करता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी हमारी गाड़ी में, जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए, और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो इस तरह का तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और आपको क्या लगता है कि इसको चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए ये भी आप बताइए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरी गाड़ी को जनवरी 2022 में 5 साल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या है, जीरो डेप्थ जो पॉलिसी हमें मिलती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमें जीरो डेप्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जीरो डेप्थ पॉलिसी के बाद भी हमको जो है विंडशील्ड इंश्योरेंस में कवर होती है या नहीं होती? हालांकि हो जाती है जहां तक मुझे पता है, फिर भी आपकी राय क्या है ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।